छत्तीसगढ़ के भाटापारा क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की शिकायत ने पुलिस की नींद उड़ा दी है, जिस पर एसएसपी सतानंद कमार के कड़े निर्देश के बाद चोरी की 51 गाड़ियों के साथ एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस चोरी की घटना का मुख्य सरगना पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। आसपास के जिले से बाइक की चोरी कर फर्जी पिकअप आरसी और नोटरी के माध्यम से बाइक बेचने का काम करता था, साथ ही अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा और लगभग 1.5 वर्षों से इस तरह की घटना को अंजाम देता रहा। ये मोटरसाइकिल चोरी का चोरों का एक गिरोह है जिसको अमन खान नाम का लड़का इसको संचालित करता था और इसके ग्रुप में लगभग 7 से 8 लोग हैं और इनको इनके द्वारा जो है रायपुर से और आसपास के क्षेत्र से पुरानी मोटरसाइकिल चोरी करके लाया जाता था। खासकर इनका जो टारगेट होता था वो हीरो, होंडा और एक्टिवा, ये 3 तरह की गाड़ियों को ये चोरी करते थे। इसके पीछे इसका कारण था, इन्होंने जो अपने इंट्रोगेशन में बताया कि उनकी गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हो जाती थी वो बहुत इजीली जो है आसानी से वो किसी भी चाबी से खुल जाते थे और उनको वो लेकर के भाग जाते थे। और आने के बाद इनके कुछ दोस्त, ये एक मोटरसाइकिल पुरानी जो है मोटरसाइकिल बेचने के लिए भी ये यहाँ के जाने जाते थे, इनसे लोग संपर्क करते थे। फिर ये इसको ओरिजिनल कैसे बनाते थे वो आपको इम्पोर्टेंट है कि ये जो आप आरसी बुक, आप जो रजिस्ट्रेशन कार्ड देख रहे हैं, ये हूबहू ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ये पूरी तरह डुप्लीकेट है। जिस गाड़ी का सौदा होता था उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर फिर जो है वो लाते थे और इस तरह का एक ब्लैंक्स कार्ड ये जो है फ्लिप कार्ड से मंगवाते थे, जिसका प्रयोग खासकर ऑफिशियल में ऑफिस के काम में भी आई कार्ड बनाने के रूप में भी इस्तेमाल होता था। और इसी रूप में चूंकि सेम ऐसा जो है आरसी बुक मिलता है